टाइम मैनेजमेंट। फिफ्टीन मार्च से हमारे एग्जाम स्टार्ट है एंड वो भी फाइनल, एंड हमारी कुछ तैयारी ही नहीं है। पिछले दो महीने से मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था जिससे मैंने काफ़ी अच्छी तरह से वेस्ट किया। मैंने उन महीनों में मतलब हर कुछ किया, गेम खेला, यूट्यूब पे अननेसेसरी वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया एंड बहुत कुछ। बस उस टाइम को मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता था, अपनी पढ़ाई कर सकता था, कुछ और अच्छा कर सकता था। मतलब सीधे बोले तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। बट नाउ आई एम चेंज्ड, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई टाइम प्रॉपरली, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी टाइम। दिस प्रॉब्लम इज डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, एंड इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन भी है, एंड वो सॉल्यूशन है टाइम ट्रेवल, सॉरी टाइम मैनेजमेंट। और मैं ये कह रहा था कि अभी लंच का टाइम हो गया, मैं सोच रहा था कि खाना खाते खाते बढ़िया से एक टाइम लैप्स बनाते, पर वो सही नहीं रहेगा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसे। तो वैसे हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? हाँ याद आ गया, हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की। सो वाई इज टाइम मैनेजमेंट सो इम्पॉर्टेंट? पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इसकी ज़रूरत ही क्या है, बट मुझे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड एज वेल एज वेरी यूजफुल। वेट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद अ पीस ऑफ पेपर। When we follow the time management, we do a specific thing at a specific time and then the result of the work is pretty good. Secondly, हम हर चीज़ को time दे पाते हैं and third, most importantly, we save a lot of time. Time management rule number one, make a time table. अभी हमें time table बनाना है, पर वो time table मैं नहीं बनाऊँ because वो अपने आप बन जाएगा। कैसे? आओ बताता हूँ। बन गया हमारा टाइम टेबल अपने आप, जिसने भी किया है बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ राइटिंग थोड़ी सही नहीं आई, पर अब फ्री का काम था, क्या ही कह सकते हैं। तो गाइस, मैं उठता हूँ सुबह के 9 बजे एंड सोता हूँ रात के 12 बजे, एंड इस हिसाब से हमारा 10 से 12 होगा स्टडी टाइम एंड 12 से 2 का फ्री टाइम। फ्री टाइम मतलब ये नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करूँगा, इस टाइम पर अपन कुछ मतलब जैसे यूट्यूब चला सकते हैं या फिर वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं, वेस्ट नहीं होगा टाइम। एंड 2 से 6 होगा हमारा सम स्टडी टाइम एंड पावर नैप वगैरह, तो थोड़ी बहुत सो वगैरह लेंगे। एंड उसके बाद होगा 6 से 8 होगा हमारा यूट्यूब एंड आउटडोर गेम्स, मतलब यूट्यूब वगैरह चलाऊंगा, आउटडोर गेम्स तो कम ही होगा। एंड 8 से 10 होगा हमारा फिर से फ्री टाइम एंड 10 से 12 होगा हमारा वर्क वगैरह, मतलब कि हम वीडियो वगैरह एडिट करेंगे इस टाइम पर। एंड टाइम टेबल को बनाना मुश्किल नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो कल से मैं इस टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करूँगा। अब मैं कर पाता हूँ या नहीं ये तो देखा जाएगा, बट मैं खुद से पूरा ट्राई करूँगा। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। बाय।